Good morning students, welcome to KGS e-learning platform. So how are you all? I hope you all must be fine. So today again I am here to teach class first English language. So check out your books and stationery and open page number 51, lesson number 13, that is sentences. So in the previous videos I have taught you lesson number 12 was A and R, that were articles. Now today I will teach you lesson number 13, that is sentences. So now let's start. So students, first of all, I will tell you what are sentences. Sentences are a group of words which makes the complete sense. That means sentences हमारी वो चीज़ होती है जो हमारी बहुत सारे words को मिला के हम लोग एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला के एक पूरा एक सेंटेंस बनाते हैं. हिंदी में हम बोलते हैं वाक्यांश बनाते हैं, और जिसकी अपनी एक कंप्लीट मीनिंग निकलनी चाहिए, कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए. ये नहीं कुछ भी कोई भी वर्ड्स हम लोग मैचअप कर दें और वो सेंटेंस बन जाए, ऐसा नहीं होता है. हम लोग क्या करते हैं, कोई सारे वर्ड्स को मिला के कंप्लीट सेंस बनना चाहिए. अब क्या है ये, now start reading from here. Read the following groups of words, tick the ones that make sense. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको 4 sentences दे रखे हैं. अब इसमें हमें उन sentences में टिक मार्क करना है जो बिल्कुल सही मीनिंग, सही कंप्लीट सेंस हमारा बना रहे हैं. फर्स्ट वाला आपका है लिली प्ले गार्डन. ये एक आपका कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा, क्या समझ में आ रहा है, लिली प्ले गार्डन, ये आपका इसमें टिक मार्क नहीं लगेगा. लिली प्लेस इन द गार्डन, ये आपका टिक मार्क लग जाएगा. यहाँ पे रमन रेड टी शर्ट, यहाँ पे भी कोई सेंस नहीं है. रमन वोर अ रेड टी शर्ट, यहाँ पे आपका टिक मार्क लग जाएगा. इन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन अबव 2 and 4 मेक कम्प्लीट सेंस ऑन देयर ओन, दे आर कॉल्ड सेंटेंसेस. तो सेकेंड वाला और फोर्थ वाला एक कम्प्लीट सेंस बना रहा है, तो ये हमारा क्या बोलेंगे हम इसको, एक कम्प्लीट सेंस वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंसेस. अ सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कम्प्लीट सेंस, ये आपकी डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपको क्या करना है, लर्न करना है. नाउ एक्सरसाइज नंबर ए, कम टू एक्सरसाइजेस. Take your pencil and eraser in your hands. और मेरे साथ एक्सरसाइजेस आप फिल अप करके जाइए. रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, टेक द वंस दैट आर सेंटेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सैंड, ये नहीं होगा. देयर वर शेल इन द सैंड, ये टिक मार्क कर दीजिए, सेंटेंस है. ऑन द बॉक्स, इसमें भी सेंटेंस नहीं है. द रैट सैट इन द बॉक्स, इसमें भी टिक मार्क कर दीजिए. अगर कैन, ये भी सेंटेंस नहीं है. ही पिक्ड अप अगर कैन, इसमें भी टिक मार्क कर दीजिए. हाउ मेनी सेंटेंसेस डिड यू फाइंड, ये पूछा गया है. इसमें से आपको कितने सेंटेंस मिले हमें, इसमें हमें 3 सेंटेंस मिले, तो आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपको 3 लिखना है. नाउ रीड दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. हम लोग हमेशा एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. और भी चीज़ों के यूज़ होते हैं जो आगे आपको चैप्टर्स में, अपने आगे क्लासेस में भी आपको समझ में आएगा, लाइक क्वेश्चन मार्क एंड ऑल. बाकी यहाँ पे फुल स्टॉप के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं. सो वी गो टू स्कूल एट 8 o'clock. देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो उसका मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस हमारा बन गया. नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 52. एक्सरसाइज नंबर बी, यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट आर कंप्लीट सेंटेंसेस. तो हमें क्या करना है यहाँ पे, कि जो यहाँ पे सेंटेंसेस पूरे कंप्लीट हमें समझ में आ रहे हैं, वहाँ पे हमें क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है, पंक्चुएट करना है. यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा, हमें वर्ड्स को, हमें सेंटेंसेस कंप्लीट जो हमें समझ में आए, कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, उसमें फुल स्टॉप लगाना है. आई एम रिहाना, ये कंप्लीट सेंटेंस है, यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए. ब्रदर अली, ये कंप्लीट सेंस नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा. माई ब्रदर्स नेम इज़ अली, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा. वी विल गो टू द ज़ू, यहाँ भी फुल स्टॉप लगेगा. वी विल लायंस, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा. वी विल सी लायंस देयर, यहाँ पे भी फुल स्टॉप लगेगा. मंकी जंपिंग, इसमें भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा. वी विल ऑल्सो सी मंकी जंपिंग ऑन द ट्रीज, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा. इट विल बी ग्रेट फन, यहाँ भी फुल स्टॉप लगेगा. विल फन, यहाँ पे नहीं लगेगा.
अब आते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन मार्क में. वी यूज़ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग. अगर हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे फुल स्टॉप की बजाय हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है. यूज़ अ फुल स्टॉप लाइक एग्जाम्पल, ये क्या है, ये हमारा आर यू नीना जैन, यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. एक्सरसाइज नंबर सी, यूज अ फर्स्ट स्टॉप और क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. जहाँ पे हमें लगे चीज़ें आस्क हो रही है, पूछी जा रही है, वहाँ हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और जहाँ पे हमें लगे कि कंप्लीट नॉर्मल सेंटेंस है, वहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टॉप लगाएंगे. कैन वी गो टू द पेट शॉप, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. यू कैन गो टू द पेट शॉप, यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप आ जाएगा. इज दैट अ फॉक्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. इट इज़ नॉट अ फॉक्स, यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप आ जाएगा. डू यू लाइक नूडल्स, ये भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. नाउ आई लाइक नूडल्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्टॉप. व्हेन डिड यू गेट द टॉय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क. माय फ्रेंड गिफ्टेड मी अ टॉय ऑन माय बर्थडे, यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट स्टॉप. नाउ व्हाट इज दिस, कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 53. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. जस्ट रिमेंबर स्टूडेंट्स के हमारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं. स्मॉल लेटर से हम लोग कोई भी सेंटेंस स्मॉल लेटर से नहीं लिखते. रीराइट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स ए बी सी फर्स्ट स्टॉप क्वेश्चन मार्क एज रिक्वायर्ड. यहाँ पे हमें पंक्चुएट करना है सेंटेंसेस को, जो कैपिटल लेटर्स में स्टार्टिंग में ना लिखे उनको कैपिटल लेटर में लिखना है, फर्स्ट स्टॉप लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना है. आई हैव अ पेट, यहाँ पे आई आपका कैपिटल आ जाएगा, हैव अ पेट, फिर यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप लगेगा. माय पेट इज स्मॉल, यहाँ पे एम कैपिटल हो जाएगा, माय पेट इज स्मॉल फर्स्ट स्टॉप. इट इज़ रेड, आई आपका कैपिटल हो जाएगा, रेड के बाद फर्स्ट स्टॉप. इट कैन स्विम, आई आपका कैपिटल हो जाएगा, स्विम के बाद फर्स्ट स्टॉप. इट लिव्स इन वाटर, यहाँ पे आपका आई हो जाएगा फर्स्ट स्टॉप, यहाँ पे आई कैपिटल हो जाएगा, लिव्स इन वाटर ये फर्स्ट स्टॉप. ये इट कैन स्विम, आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैपिटल कैन स्विम. फिर यहाँ पे कैन यू टेल व्हाट माय पोएट इज, सॉरी व्हाट माय पेट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी कैपिटल. यू Tell what my pet is. तो ये एक बार क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट्स, कैन यू टेल वॉट माई पेट इज, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क. डू यू वॉन्ट टू प्ले विथ माई पेट, यहाँ पे भी क्वेश्चन कर रहा है, तो यहाँ पे डी कैपिटल, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क. सो योर चैप्टर हैज बीन कम्प्लीटेड. नाउ यू हैव टू रीड द चैप्टर थरली एंड यू हैव टू कम्प्लीट एक्सरसाइजेस विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. और सारी आपको एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने के बाद अच्छे से चैप्टर की रीडिंग करनी है. सो टुमारो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू स्टूडेंट्स.